Guys, have students? Am I audible? Yes. Okay. So we were doing about, चल हम जल्दी से उसी के टॉपिक पे आते हैं। टिश्यूज में हम बात कर रहे थे। टिश्यूज में वी हैड डन मरिस्टमा टिश्यू, मरिस्टमेटिक टिश्यूज फॉर दर्द आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये हमने प्राइमरी कल नहीं किया था प्राइमरी, बट आई हैव गिवन यू अ हिंट। प्राइमरी में विच इज मेरिस्टेमेटिक फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से ही जो रूट इफेक्ट शूट इफेक्ट, एम्ब्रियो से ही मेरिस्टेमेटिक है एंड रिमेन मेरिस्टेमेटिक थ्रू आउट। सेकेंडरी मेरिस्टम्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन। तो विच आर फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मैंने क्या कहा था, रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इट इज रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन मींस पेरेंकाइमा सेल्स लूज देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड रीगेन द प्रॉपर्टी टू डिवाइड। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह देते हैं गुंड केंद्रीय। केंद्रियम विच हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू। राइट, जल्दी से लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम, जल्दी से। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम, क्योंकि आपके बुक में थोड़ा सा, क्योंकि जो डायग्राम दिया हुआ है ना फॉर्क वाला, अगर हम सेकेंडरी मेरिस्टम नहीं समझेंगे तो वो डायग्राम नहीं हम समझ पाए। तो यहाँ पे बुंड केंद्रियम और यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है रूट इफेक्ट एंड शूट इफेक्ट। राइट डाउन क्विकली, पंखा बाद में कर लेना बेटा, पहले राइट डाउन जी। जिस जिसका हो जाए मुझे बताते चलो। चलिए मैम, जी, नेक्स्ट। मेरे क्वेश्चन था, हाँ जी, मैं जैसे अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर हल्का सा कट लगे तो हील आउट हो जाता है, बट अगर लिम्स कटे तो हील आउट क्यों नहीं होती? दोबारा से मुझे बताओ कि अगर ब्लड किसमें बचे, किसमें कट लगे, अगर छोटा कट लगे तो हील हो जाता है,
बट अगर कोई आर्म कट जाए या ऐसे ही कोई हैवी इंजरी हो तो वो कट तो रीजनरेट क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटे बहुत हैवी इंजरी हो तो जब हल्का सा है तो सिर्फ ब्लड वेसल्स इंजरी हुई है, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होके इमीडिएट। जब ज्यादा डीप कटिंग हो तो नर्व फाइबर्स कट हो जाते हैं, नर्व फाइबर्स कट होते हैं तो वहां पे मैसेजेस नहीं पहुंचते, मैसेजेस नहीं पहुंचेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग भी रुक जाती है, आगे रीजनरेशन भी रुक जाते हैं क्योंकि नर्व से मैसेज नहीं पहुंचते, और मसल्स कट जाते हैं, मसल्स तो रीजनरेट नहीं होते, इसलिए उस पोर्शन में रीजनरेट होना मुश्किल हो जाता है। सुपरफिशियल कटिंग में एपिथीलियम कट हो गई, ठीक है, एपिथीलियम कट हुई तो वो रीजनरेट हो जाती है, ब्लड वेसल्स हुई तो वहां पे क्लॉटिंग होके रीजनरेशन हो जाएगी, बट उससे अगर नीचे कट होता है, मसल कट होते हैं तो रीजनरेशन बहुत ही मुश्किल है। मसल डू नॉट रीजनरेट, होते तो है ये नहीं बात, बट दे आर वेरी स्मॉल, नर्व फाइबर्स में इंजरी हो जाती है, वहां पे मैसेजेस नहीं है, इसलिए जो वहां पे बहुत स्लो रिपेयर प्रोसेस होता है। इज इट ओके? हाँ जी, यस जिसने पूछा था उसको समझ आया? मैम, एनीथिंग एल्स? चलिए, इट्स गुड, आपने पूछा, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट टाइम जल्दी से। ग्रोथ और इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ नर्व, आपने ये लिखते चलो और साथ में आपने बताना है कौन सा मेरिस्टम, देन इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट, विच मेरिस्टम? इंक्रीज हाइट ऑफ शुगर केन, देन इट्स शूट इफेक्ट्स का देन फॉर्मेशन ऑफ फॉल, अराउंड स्टेम जो बार्क बनती है, कॉर्क बनती है, कॉर्क मीन वुडी टिश्यू, अराउंड स्टेम, यहाँ पे आपने कौन सी ऑप्शन देखी है? प्राइमरी की सेकेंडरी, देन रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यूज इन प्लांट, अगेन सेम ऑप्शन यहाँ पर भी है, प्राइमरी की सेकेंडरी, जल्दी से ये लिखो और फिर मुझे गूगल चैनल। गिविंग यू 2 मिनट। 9th A, यस, भावना, भावना इज देयर 9th A? भावना है बेटा, जल्दी से आया करो जिसको बुलाए, फटाफट से भावना फर्स्ट आंसर बताइए। इंक्रीज इन डायामीटर ऑफ द प्लांट कौन सा है? मैं ऑप्शन दे देती हूँ, एपिकल, इंट्रकैलरी की लेटरल? आवाज नहीं आ रही आपकी, मुझे ऑन करो जरा। अच्छा चलिए, मुझे बताइए एपिकल, इंट्रकैलरी की लेटरल, इशारा करके बता दो बेटे। हाँ, अब आई थी आवाज, दोबारा से बताओ।
लेटरल, वेरी गुड, इट इज ड्यू टू लेटरल ग्रोथ, वेरी गुड। लेटरल मेरिस्टेम, यस। नाइन्थ बी इज अमरजीत। अमरजीत बेटा जल्दी से बताओ, इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट, एपिकल एपिकल, और जहां पे दो हो सकते हैं एपिकल एंड और कौन सा हो जाएगा, एंड इंट्रकैलरी होल, ठीक है, बैठो बेटा, इंट्रकैलरी। देन नाइन्थ सी में आ जाइए बेटा, विवेक जल्दी से बेटा, क्विक। इंक्रीज इन हाइट ऑफ शुगर केन व्हेन इट शूट अफेक्ट्स इट्स कट, जब ऊपर से हमने गन्ना काट लिया, देन चलिए नाइन्थ ई बता दीजिए बेटा, नाइन्थ सी आ गई है, नाइन्थ सी बचे विवेक, जोर से बोलो माइक ऊपर करके, ठीक है, दोबारा से। अच्छा, एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर, दिस इज इंट्रा कैलरी, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी टिश्यू, नाइन्थ डी, यस, साहिब जोत, नाइन्थ डी साहिब जोत, जल्दी से आके। हाँ प्राइमरी बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क है ना, पहले तो प्लांट ग्रीन होता है और उसके बाद कॉर्क की टिश्यू बनता है, तो इट इज ड्यू टू, नहीं पता होगा बैठो, इट इज ड्यू टू सेकेंडरी, बेटा प्राइमरी ग्रोथ होती है इंक्रीज इन हाइट, जब बर्थ है ना तो वो सेकेंडरी टिश्यू से बनती है, सेकेंडरी मेरिस्टम, राइट ऑल अपनी कॉपी में लिख लो, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू सेकेंडरी मेरिस्टम, इंक्रीज इन गर्थ या डायामीटर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू सेकेंडरी मेरिस्टम, इसका मतलब लेटरल मेरिस्टम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम, एंड नाइन्थ एफ, नाइन्थ एफ इज सन्या, सान्या बेटे जल्दी से, यस, यहाँ पे कौन सा मेरिस्टम है, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी हाय हाय बेटे, पढ़ाया हुआ मेरा सारा बर्बाद करके, अभी क्या बताया था, बुंद कैम्बियम डी डिफरेंशिएशन से बनता है, सेकेंडरी कैम्बियम है या सेकेंडरी मेरिस्टम है, ध्यान से सुना करो बेटा, तो रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू बुंड कैम्बियम से, जहां पे इंजरी हो गई है, बुंड हो गए हैं, तो कौन सा है, सेकेंडरी, ऐसे ही प्राइमरी सेकेंडरी बोला, सेकेंडरी मेरिस्टम, तो जहां पे रिपेयर होनी है सेकेंडरी मेरिस्टम, जहां पे इंक्रीज इन डायामीटर होना है सेकेंडरी मेरिस्टम, जहां पे इंक्रीज इन हाइट होनी है प्राइमरी मेरिस्टम, इज इट ओके, जल्दी से लिखो फटाफट, इंक्रीज इन हाइट प्राइमरी मेरिस्टम, इंक्रीज इन डायामीटर सेकेंडरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एपिकल एंड इंट्रकैलरी, प्राइमरी में लिख लो बच्चे, लिख लो फिर आ जाएगा, प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी
प्राइमरी मेरिस्टम में क्या हो जाएगा? प्राइमरी ये सब सेकेंडरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंक्रीज डायामीटर एंड रिपेयर ऑफ इंजन। ठीक जी, ठीक है जी, चलिए डन। स्टूडेंट बोला करो बेटा, नहीं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने तुम्हें कल ज्यादा पढ़ा दिया, नाराज हो गया। ओके। चलिए उसके बाद परमानेंट इश्यू। अब आप मुझे बताओगे परमानेंट इश्यूज मीन्स? पावर ऑफ डिवीजन, यस और नो आपने बताना है। साथ साथ लिखते थे। सेकंड है सेल वॉल। सेल एनी ऑफ द थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, ये आपने बताना। देन एक मिनट लिख लो, आप लिखो। नेक्स्ट लिखिए लिविंग और डेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए परमानेंट में। लिविंग और डेड। फोर्थ लिखिए। वैक्यूल्स प्रेजेंट और एब्सेंट। वैक्यूल फिर आगे लिखिए प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है जी, चलिए जी। अब मुझे बताइए, यस नाइन्थ एफ, अनवीर, अनवीर इज देयर, जल्दी से शिफ्टेड मैम शिफ्टेड है। ओके टेन, हरनीश मैम शिफ्टेड सब शिफ्ट करके, शिफ्टेड सुखराज कौन से सेक्शन में चला गया? युवराज, युवराज इज देयर। शिफ्टेड इसके
सबके सब ध्रुव ध्रुव है। चलिए लेफ्ट। एनी स्टूडेंट, अब तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा कि एनी स्टूडेंट या नवजोत, भूपिंदर, नवजोत आप आ जाइए बेटा फर्स्ट। पावर ऑफ डिवीजन, प्रेजेंट और एब्सेंट? मैम एब्सेंट। यस, पावर ऑफ डिवीजन एब्सेंट लिखते हैं। चलो सेकंड आ जाइए, नाइन्थ ई, जीवनपाल। जीवनपाल सेल, ये अब मैं अलग से बता रही हूँ, सेल डिफरेंशिएटेड की नॉन डिफरेंशिएटेड? इन नहीं, डिफरेंशिएटेड है कि अनडिफरेंशिएटेड है? दे आर परमानेंट टिश्यूज में सेल डिफरेंशिएटेड है कि नहीं? डिफरेंशिएट। दे आर डिफरेंशिएटेड, लिख लेना, परमानेंट टिश्यूज में सेल्स डिफरेंशिएटेड। यस बैठो बेटा। नेक्स्ट नाइन्थ डी, पूनम। सेल वॉल थिन है कि थिक है कि कुछ भी हो सकता है? एनी ऑफ टू। एनी ऑफ दीज, बिल्कुल ठीक है, एनी ऑफ दीज, दे मे बी थिन वॉल और दे मे बी थिक वॉल। यस नाइन्थ सी, खुशबू। खुशबू नाइन सी एब्सेंट है, नाइन सी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, नाइन्थ बी में आ जाइए। नाइन्थ बी में बलजिंदर, नाइन्थ बी बलजिंदर। हाँ जी, मुझे आपने ये बताना है वैक्यूल प्रेजेंट की एब्सेंट? प्रेजेंट। प्रेजेंट, दे हैव रिजर्व फूड, देयरफॉर दे आर प्रेजेंट, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। यस देन एनीबॉडी, नाइन्थ ए, नाइन्थ ए में आ जाइए। क्रिश, क्रिश इज देयर। हिमांशु, तान्या, प्रभजोत, प्रभजोत आर परमानेंट टिश्यूज लिविंग डेड की एनी ऑफ दी? सभी लिविंग। परमानेंट टिश्यू लिविंग है? क्लेरेंकाइमा लिविंग है? क्लेरेंकाइमा बेटा लिविंग है कि डेड है? तो यहाँ पे आंसर आएगा एनी ऑफ दी। बैठो बेटा, तो इट इज एनी ऑफ दीज, दे मे बी लिविंग और दे मे बी डेड। तो व्हाट वी से दैट परमानेंट टिश्यू लॉस पावर ऑफ डिवीजन, आर डिफरेंशिएटेड, दे मे बी लिविंग और डेड, थिन और थिक वॉल्ड, वैक्यूल प्रेजेंट। These are some of the properties and they perform specific function. They perform specific function. Now, permanent tissues कौन से हैं? Simple and complex. सिंपल में आ जाता है बेटा पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। कॉम्प्लेक्स में आ जाता है जाइलम एंड क्लोरम। नाउ
हु विल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स? कोई मुझे बताएगा? एनीबडी हु नो, जल्दी से रेज योर हैंड. यस, 9C में से आवाजें आ रही है. एनीबडी? हाँ बोलो. The tissue composed of same types of cell is called simple permanent tissue. And complex में different type of cell. That is absolutely true. Simple means formed of same type of cell. Complex means formed of different type of cell. और इनके functions आपको पता है जल्दी से. Parenchyma storage of food, photosynthesis, provide air, stores air in case of hydrophytes. ये आपको पता है स्टोरेज का काम है. फोटोसिंथेसिस. कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी. स्क्लेरेनकाइमा मेन सपोर्टिंग टिश्यू होती है, मैकेनिकल टिश्यू. अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 से करिए, जल्दी से क्विकली स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. एज यू सी दैट these are parenchyma cells. Parenchyma cells are thin walled cell. ये thin walls है, intercellular spaces है. Thin walls है, living है, and vacuole present है. These are vacuole. ये आप दिख रहे हैं, बाकी न्यूक्लियस तो है या दिस इज न्यूक्लियस. ये जो है दिस इज कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा आप देख रहे हो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है इसमें, तो इसका मतलब ये लिविंग है. और जहां जहां पे भी कॉर्नर्स है, यहाँ पे ये देखिए ये थिक वॉल्स है. These are thick wall. सारी thick wall नहीं है, जहां जहां पे corners है वहां पे these are thick wall. So colenchyma में thickening at corner. और ये है sclerenchyma. Sclerenchyma जो है, this is colenchyma, ये दोनों, this is sclerenchyma. क्लेरेनकाइमा कोई आपको न्यूक्लियस नहीं नजर आ रहा. इट मीन्स दे आर डेड. दे आर यूनिफॉर्मली थिक, सभी तरफ से जो है ना थिक वॉल्ड, नो न्यूक्लियस, थिक वॉल्ड, डेड मैकेनिकल. इज इट ओके? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9A. कुशल, कुशल इज देयर 9A? जल्दी से आ जाओ फटाफट. क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू. हाँ जी, किसके कारण है? पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा किसके कारण है? कोलेनकाइमा. अगर यही बोला है तो ठीक है. It is flexibility in plants is due to colenchyma. कहीं पे thick है, इसके कारण branches टूटती नहीं है, और क्योंकि thin walled है इसलिए flexible. ठीक है, बैठो बेटा. Next है जी question number 9, 9B. सागर प्रताप. Sclerenchyma. Yes, ninth is sclerenchyma. Dead cell से कौन बने हैं? Sclerenchyma. ठीक है, ninth C से, क्योंकि आवाज बहुत क्लियर नहीं है इसलिए हम सीधा ninth D पर आ रहे हैं. ninth D में मनरोज. मनरोज कौन है? Chapter. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कौन सी इनकरेक्ट है बेटा? Shifted. शिफ्टेड, कोई बात नहीं, आप ही बता दो जो है माइक के पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर परमानेंट टिश्यू. बिल्कुल ठीक, ये तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है,
ये परमानेंट टिश्यू सही नहीं है। नाइन्थ ई, नाइन्थ ई में आ जाइए बेटा, आकाश, आकाश अपने असाइनमेंट लेकर आना बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ जी बताओ, आंसर बताओ। पेरेन्काइमा सेल्स आर एसोसिएटेड ए पार्ट विद एसिमिलेशन एंड स्टोरेज बेटा, उसके बाद कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं पेरेन्काइमा सेल्स, क्योंकि जाइलम पेरेन्काइमा हेल्प तो करते ही है ना, ये भी है। डी डिफरेंशिएशन भी आपको बताया था, पेरेन्काइमा सेल्स ही डी डिफरेंशिएट करते हैं। आंसर इज ऑल ऑफ दी। ठीक है, बैठो बेटे बैठो। ठीक है, ऑल ऑफ दीज कैसे हैं, एसिमिलेशन एंड स्टोरेज, कंडक्शन, क्योंकि जाइलम पेरेन्काइमा है, फ्लोइंग पेरेन्काइमा हेल्प्स इन कंडक्शन। डी डिफरेंशिएशन, आई हैव टोल्ड यू ओनली पेरेन्काइमा सेल्स डी डिफरेंशिएट एंड ऑल ऑफ। देन नाइन्थ एफ, नाइन्थ एफ बेटा सान्या, किरण I'm shifted. ज्योत, नाइन्थ एफ किरण ज्योत इज देयर, I'm shifted. मन्नत, मन्नत जल्दी से बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। मैकेनिकल मैकेनिकल स्पोर्ट सपोर्ट, बिल्कुल ठीक है, वेरी। चलिए जी, तो अब आ जाते हैं बेटा जाइलम एंड फ्लोइंग। स्ट्रक्चर आपको पता है, जाइलम हेल्प से फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स, वेयर एज फ्लोइंग इट ट्रांसपोर्ट फूड सिंथेसाइज्ड बाय द लीव, राइट। सो व्हाट आई एम आस्किंग इज, जाइलम ट्रांसपोर्ट इज, ऑप्शन ए है यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज, या बी है बाई डायरेक्शनल ऑलवेज। डायरेक्शनल, डायरेक्शनल टाइम एफ ने बताया है यूनिडायरेक्शनल ऑलवेज, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज वॉटर एंड मिनरल्स आर ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू, यू कैन से मेनली लीव्स, रूट्स आर सोर्स, इसको हम कहते हैं सोर्स, और लीव्स क्या है सिंक, बाकी सब जगह भी जाते हैं, बट स्टोर कहाँ पे हो रहा है, लीव्स में हो रहा है, स्टेम में भी जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंच रहे हैं, दैट इज लीव्स के पास। देन यू हैव टू टेल मी व्हाट अबाउट फ्लोइंग, यस हु विल टेल मी, हाँ जी कौन बताएगा बेटा, वाइड, बायोडायरेक्शनल। ये जो है ना आपने ये बताना है, आंसर तो आपका बिल्कुल ठीक है, वाइड है, आपने ये बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय वाइड डायरेक्शन। हाँ जी नाइन्थ एफ, यस बोलिए, बाई डायरेक्शनल मीन ऊपर नीचे, अब ये मुझे बताओ कि क्या है बाई डायरेक्शनल का मतलब, अपवर्ड एंड साइडवर्ड डायरेक्शन। आप ये कह रहे हो कि ये लीव्स है, इससे खाना स्टेम में आया, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, दिस यू से दिस इज, दैट इज बाय, इट इज बाय डायरेक्शन, यस और नो। हां जी नाइन्थ है, अच्छा इसका मतलब आप जो कह रहे हो, मैं नहीं कह रही हूँ, आप ये कह रहे हो कि फूड का सोर्स इट इज ऑलवेज लीव्स एंड सिंक,
stem, roots and branches. This is right, क्योंकि स्टेम के ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल है। मैं ठीक कह रही हूँ? यस और नो? नाइन्थ बी, नाइन्थ डी बेटा, बट आंसर ये नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट, बाई इट इज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मीन, लिखो जरा, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड, राइट डाउन। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज दैट इन विच देयर इज रिवर्सल ऑफ सोर्स एंड सिंक। देयर इज रिवर्सल ऑफ सोर्स एंड सिंक, भूलना नहीं है। अब ये नहीं कहते रहना कि ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, इसलिए है लीव्स में से जा रहा है, बट क्योंकि ये लीव से ऊपर भी जा रहा है, लीव से नीचे भी जा रहा है, तो ये बाय, दिस इज नॉट बाय डायरेक्शन। ठीक है, इन विच सोर्स एंड सिंक गेट रिवर्स, कैसे? स्प्रिंग में, इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में फेवरेबल सीजन है, लीव ग्रीन है, सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ फूड लीव, और सिंक क्या है? सिंक है रूट, या रूट्स में या स्टेम में भी रहा है, बट स्टोर कहाँ पर हो रहा है? रूट्स में हो रहा है। उसके बाद एक तो ये आ गया, उसके बाद आया ऑटम। ऑटम में शेडिंग ऑफ लीव, झड़, उसके बाद आया नेक्स्ट अर्ली स्प्रिंग, न्यू लीफ बर्ड्स, छोटी छोटी पत्तियां, लीफ बर्ड्स हैं, विच कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज। What require food? उनको बड़ा होने के लिए खाना चाहिए, बट उन्हें फोटोसिंथेसिस भी नहीं, अभी छोटी छोटी सी, राइट? देन फ्रॉम विल गेट फूड? लीफ बर्ड्स गेट फूड फ्रॉम रूट, जो रूट्स में स्टोर्ड फूड था, फ्रॉम देयर दे गेट फूड। इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग में फूड कहाँ से जाता है? लीफ से रूट में, डाउनवर्ड, और नेक्स्ट अर्ली स्प्रिंग में फूड कहाँ से आ रहा है? रूट से, यंग लीफ बर्ड। यहाँ पे लीफ सोर्स है और रूट सिंक है, और यहाँ पर रूट सोर्स है और यंग लीफ पर सिंक है। दैट्स व्हाई इट इज बाई डायरेक्शन। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं। व्हाई इट इज बाई डायरेक्शन, ये मैंने आपको बताया, जहां पे सोर्स और सिंक रिवर्स हो रहा है।
यस, जिस जिसको ये समझ में आया है रेज योर हैंड जल्दी से, क्विकली, ढीले नहीं पढ़ना है। 9C में बहुत को समझ आ गया, बट गर्ल्स को समझ नहीं आया, फर्स्ट बेंच बॉयज को समझ नहीं आया। क्विकली रेज योर हैंड जल्दी से। 9E में सिर्फ दो बच्चों को, तीन को, ये ढीले से है। 9A में यस, फर्स्ट बॉय को नहीं समझ में आया बेटा आपको। 9B, ओके। 9F में भी समझ आ। सो दिस इज हाउ द फूड इज ट्रांसपोर्टेड। चलिए जी, अगर फूड, अगर हम फ्लोइंग को ब्लॉक करते, फूड जनरली हम कहते हैं लीव से रूट्स में आना फेवरेबल कंडीशन की हम बात करें, फ्लोइंग ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? सबसे पहले रूट्स मर जाएंगे एंड देन द होल प्लांट। और अगर हम जाइलम ब्लॉक कर दें तो सबसे पहले क्या मरेंगे? लीव मरेंगे। रूट के पास तो पानी है, लीव के पास पानी नहीं पहुंचेगा, तो लीव गिर जाएगा। ठीक है जी, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, चार क्वेश्चन कीजिए जल्दी से क्विक। क्वेश्चन नंबर 13, विच विल डाई फर्स्ट इफ द फ्लोइंग टिश्यू इज डैमेज? रूट्स विल डाई फर्स्ट बिकॉज इट विल नॉट गेट द फूड। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट जल्दी से, कौन बता रहा है? यस, रेज योर हैंड्स। नाइन्थ है, नाइन्थ है, फर्स्ट स्टूडेंट। हाँ जी बोलिए। सी ऑप्शन है, जाइलम इज मेंट फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ये गलत है, जाइलम इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल। द लिविंग एलिमेंट प्रेजेंट इन द जाइलम इज? नाइन्थ बी। एनी स्टूडेंट जल्दी से बोलो फटाफट। जाइलम पैरेन्काइमा। इट इज जाइलम पेरेन्काइमा। ऑल आर डेड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी? नाइन्थ एफ। हाँ जी, एनी स्टूडेंट? नाइन्थ एफ। कंपेनियन सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी? इट इज कंपेनियन सेल। वेरी, ठीक है जी। तो 17th, 18th, अच्छा एक 20th क्वेश्चन मुझे बताओ। ये तीन छोड़ो, 17th, 18th, 19th बाद में। 20th क्वेश्चन, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट has been made possible by the presence of anyone? 9E, terrestrial। बेटा जब प्लांट्स अर्थ पे आए तो पानी में थे सबसे पहले, ठीक है, पेरेन्काइमा तो था ही उनके पास, बट उनको ट्रांसपीरेशन का नहीं पता था, सारा सरफेस कंडक्टिंग था, तो उसमें जाइलम फ्लोएम भी नहीं। तो जब प्लांट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में आए, अर्थ पे आए, तब कंडक्टिंग टिश्यू है, राइट? तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या नॉट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यू कैन से दैट देयर सर्वाइवल ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आंसर इज बी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 कौन बताएगा? नाइन्थ डी में से, यस, एनीबॉडी फ्रॉम नाइन्थ डी? Each stoma, stoma of the pore. This is same as stoma. This is stoma. They are surrounded by kidney-shaped cells. Rajma ki tarah ye cells hai. In cells ko kya bolte hai? These two cells are called as. जो पोर है बना लो अपनी कॉपी में, बीच में जो पोर है दिस इज स्ट्रोमा, और जो आस पास है जो इसको गार्ड कर रहे हैं दे आर
कार्ड व्हाई डू डेजर्ट प्लांट्स हैव फ्यूअर स्टोमेका एज कंपेयर टू रेन फॉरेस्ट प्लांट सेल्स लास्ट है बस यस नाइन्थ ई वाले बताएंगे जो खड़े हैं फटाफट से बता दो मुझे टू प्रिवेंट जोर से due to less water because they have less water so stomata ke through kya ho raha hai loss of water ho raha hai transpiration ho rahi hai so fewer stomata kyun hai to prevent excessive transpiration is it okay chaliye ji this is for today rest we will do tomorrow theek hai okay beta bye bye hum kal generally animal tissues karenge doubts lekar aana sabse pehle okay beta bye bye